हेलो दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने इस साइलेंसर को नॉर्मल स्प्रे से पेंट किया था। आप देख सकते हैं इसकी हालत, इसका पेंट निकल चुका है और हीट होने पर भी इसका पेंट निकलता रहता है क्योंकि ये नॉर्मल स्प्रे था। तो आज इसको हम हीट रेजिस्टेंट स्प्रे पेंट से पेंट करने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि किस तरीके से मैं इसको पेंट करता हूँ। आप इसकी हालत देख सकते हैं, काफ़ी रस्टिंग भी हो चुकी है। सो दोस्तों, पेंट करने से पहले हमें 400 नंबर की सैंड पेपर से सैंडिंग करनी है साइलेंसर की, ताकि सरफेस एकदम स्मूथ हो जाए। सो दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से सैंड पेपर से सैंडिंग कर ली है साइलेंसर की, आप देख सकते हैं, और मैंने पुराना कलर भी निकाल लिया है। अब हमारा साइलेंसर पेंट होने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। सो दोस्तों, ये निपॉन कंपनी का हीट रेजिस्टेंट स्प्रे पेंट है, आप देख सकते हैं। ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है, आप देख सकते हैं इस पे लिखा है ब्लैक हीट रेजिस्टेंट। दोस्तों, साइलेंसर के लिए हमें हीट रेजिस्टेंट स्प्रे पेंट ही लेना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 244 रुपये का मुझे अमेजोन से मिला है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसको यूज़ करने से पहले हमें 2-3 मिनट इसको शेक करना है, उसके बाद 8-10 इंच की दूरी से इसको स्प्रे करना है। सो पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं पेंट होने के 10 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ। आप देख सकते हैं पेंट की क्वालिटी, ये कलर मैट फिनिश में है, हमारा साइलेंसर एकदम नया लगने लगा है अब। और दोस्तों, साइलेंसर हीट होने के बाद भी पेंट नहीं निकल रहा है, अब आप लोग भी हीट रेजिस्टेंट पेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।